गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू माय स्टूडेंट। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट टुडे वी स्टार्ट पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट इन पार्ट फर्स्ट यू नो वेरी वेल व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो स्टूडेंट इन दिस पार्ट वी स्टार्ट योर पार्ट नंबर 2 एंड योर टॉपिक मल्टीप्लीकेशन बाई 1, 2, 5 and 10। अब आपको जो मल्टीप्लीकेशन सीखना है, जो लर्न करना है ना, वो 1 से कैसे होता है, 2 से कैसे होता है, 5 से कैसे होता है, 10 से कैसे होता है। ओके बेटा, अच्छा ये बताइए बेटा, आपको टेबल आती है क्या 1 की? 2 की तो आती होगी लेकिन 1 की नहीं आती होगी, है ना? चलिए आज हम 1 की टेबल सिखाते हैं। देखिएगा, हम स्टार्ट करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन बाई, और यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, रिपीटिंग एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, यू नो वेरी वेल। सो स्टूडेंट इन दिस पार्ट वी लर्न अबाउट 1, 2, 5 and 10। बहुत ही इजी है 1 और 10 की, 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन कोई नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रेज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए देखिएगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन बाई 1 बाई 1, कोई प्रॉब्लम? देखिएगा बाई 1 में, अब जब आप 1 का 1 जा करेंगे तो 1 होगा, 1, 2 जा करेंगे, सॉरी 1 जा 1, 1, 2 जा 2, 1, 3 जा 3, 1, 4 जा 4, 1, 5 जा 5, 1, 6 जा 6, 1, 7 जा 7, 1, 8 जा 8 और 1, 9 जा 9, 1, 10 जा 10। बेटा ये कैसे हुआ? आपको मालूम है ना कि रिपीटिंग एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा बेटा, मान लीजिए कैसे हुआ हम आपको ये बताते हैं। देखिएगा अब ये क्या है, 1 है ना, 1 का मल्टीप्लाई आप कितने टाइम करोगे, 1 मतलब कितना स्किप करना है 1, तो 1 ही तो आएगा। लेकिन 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 करो, मतलब 2 टाइम स्किप करो, कोई नंबर लाइन ले लीजिए, मान लीजिए नंबर लाइन हो गया, यहाँ ड्रॉप कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेटा आपको क्या स्किप करना है, 1 करना है ना, अगर 1 टाइम करोगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 करोगे तो 2 आएगा, फिर 1 करोगे तो 3, फिर 1, 5, 6, 7, है ना, मतलब 1 स्किप करोगे तो ये आपका होता चला जाएगा। अगर हम यही देखते हैं बेटा, अब ये समझ लेना सिंपल है, किसी भी नंबर का अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। किसी भी नंबर का अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम वो नंबर आ जाएगा, ठीक है? ये तो टेबल हो गई थी। किसी भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो दुनिया में, कोई भी नंबर हो, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बस सेम नंबर। अगर आपने देखा कि 84 मल्टीप्लाइड बाई 1 है तो बस आप डायरेक्टली 84 लिख दो, कोई प्रॉब्लम? 97 मल्टीप्लाइड बाई 1 है तो आप डायरेक्टली 97 लिख दो, कोई प्रॉब्लम? 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 है तो आप डायरेक्टली 10 लिख दो, सेम नंबर आप नोट कर देना, वही होगा। क्यों? क्योंकि 10 बन जाए तो 10 होता है ना, कोई भी टेबल हो। ये तो 1 की बात हो गई। अच्छा 2 की बात करें, देखिए अब मल्टीप्लीकेशन बाई 2 बाई 2, इसमें क्या होता है, कोई भी चीज दोगुनी हो जाती है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 × 2 करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारा 2 होगा, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर 2 से कर दे बेटा तो 2 जा 4, वही हम 3 से कर दे 2 का तो 2, 3 जा 6, सिंपल है। देखो
देखना, दो का डिफरेंस फिर दो का डिफरेंस, तो मतलब आप देखेंगे ना कि दो दो स्किप हुआ रहेगा, टू के बाद फोर, मतलब एक स्किप फोर, एक स्किप सिक्स, है ना। मतलब क्या होगा कि आप देखेंगे कि उनके बीच में दो का डिफरेंस होगा, है ना। तो ये तो टू की बात होगी, अगर हम थ्री की बात करेंगे तो थ्री का डिफरेंस होगा, फोर की बात करेंगे फोर का डिफरेंस, स्किप होता है ना। तो अब डायरेक्ट आते हैं हम फाइव की बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाई फाइव, यहाँ तक क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन बाई फाइव। अब फाइव में क्या होगा, कोई भी चीज जैसे फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव, अब ये फाइव है ना, और कितने टाइम है, नंबर क्या है फाइव, कितने टाइम है थ्री, तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, देखो फाइव प्लस फाइव टेन, टेन प्लस फाइव फिफ्टीन, और फाइव थ्री जा फिफ्टीन, बोलो कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे इसका, आप तो टेबल आती है ना आपको फाइव की, वन का वन से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव को तो फाइव, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव टू या टेन, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव का तो फिफ्टीन, है ना। देखते हैं आप कि फाइव कितने टाइम प्लस हुआ, थ्री टाइम, और रिपीटिंग एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, यू नो वेरी वेल, ओके। वन की भी देख ली, टू की भी देख ली, फाइव की देख ली, अब देखो टेन की, इतनी इजी होती है, वन और टेन बहुत ही इजी होता है। कैसे करोगे देखो, किसी भी नंबर का वन का मल्टीप्लाई टेन से करना है ना, सिंपल, आप ये वन लिख दो, कितने जीरो हैं, वन आ गया, टू से करना है ना टेन में, ये टू लिख दो और एक जीरो, क्योंकि टू टेन जा ट्वेंटी, यू नो वेरिएबल, टेन कितने टाइम, टू टाइम, मतलब टू कितने टाइम, टेन टाइम ना, तो क्या हो गया ट्वेंटी। थ्री से करना है टेन, थ्री जीरो थर्टी, फोर से करना है फोर जीरो फोर्टी, फोर लिख दो फोर्टी, आपको मालूम है टेन वन जा टेन, टेन टू जा ट्वेंटी, टेन थ्री जा थर्टी, टेन फोर जा फोर्टी, किसी भी तरीके से करिए वैल्यू तो आपकी सेम ही आएगी। फाइव से करना है, फाइव लिख दो जीरो कर दो फिफ्टी, सिक्स से करना है, सिक्स लिख दो जीरो कर दो सिक्सटी, सेवन से सेवन जीरो सेवेंटी, एट से एट जीरो एट्टी, नाइन से नाइन जीरो नाइन्टी, टेन से टेन टेन जा हंड्रेड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं, तो चलिए हो गया आपका, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा आपने क्या किया, वो नंबर लिख दो एक जीरो कर दो, फाइनल आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन बाई वन टू फाइव और टेन। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज की, किसकी बात करेंगे बेटा, आपकी एक्सरसाइज की, और देखिएगा एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप सभी बच्चों को खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करवाएंगे। क्या है, कंप्लीट द जंपिंग इन टूज, जब इन टूज कहा ना बेटा, सबसे पहले आपके पास एक नंबर लाइन बनी हुई है, ठीक है, नंबर लाइन में आपके नंबर्स ड्रॉ हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, ठीक है, हो गया ना फोर्टीन, कर लिया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है ना बेटा, क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कंप्लीट द जंपिंग इन टूज, क्वेश्चन है आपका कंप्लीट
कंप्लीट द जंपिंग इन टूज, इन टूज। बेटा इन टूज का मतलब है ना कि आपको टू टू जंप करना है। कैसे? जीरो से कितना जंप करना है? टू, तो वन एंड टू, ठीक है। फिर कितना जंप करना है? टू, वन टू, फिर 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 वन टू। अब देखना ये है बेटा ना कि आपके यहां पे कोई नंबर नहीं फिल था, ठीक है। यहां पे भी कोई नंबर नहीं फिल है, यहां पर भी कोई नंबर नहीं फिल है, ठीक है। अब यहां नंबर्स नहीं फिल है, यहां पे आपको नंबर्स फिल करना है, टू टू जंप करके फिल करना है। तो टू हुआ, फोर हुआ, सिक्स हुआ, सेवन हुआ, यहां क्या नहीं है? एट, तो आप यहां पे एट फिल कर दोगे। यहां पे क्या होगा? एट के बाद टू जंप करेंगे तो नाइन और टेन ही तो आएगा, फिर टू जंप करेंगे ट्वेल्व आएगा। ऐसे आगे आप लोग बेटा कंटिन्यू कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा बेटा काउंट एंड कलर। टू टू स्किप हुआ है, जो आपका उसमें पैटर्न चलेगा वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है, देखिएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, काउंट इन टूज एंड देन फिल इन द बॉक्सेस। जीरो के बाद टू, फोर, वही सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व, ओके। तो देखिए बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जितने भी मल्टीप्लिकेशन है आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और क्वेश्चंस करा दें क्या? बोलिए। चलिए, हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन बता दिया था आपको, फोर्थ नंबर नहीं बताया। काउंट इन फाइव एंड देन फिल इन द बॉक्सेस। काउंट इन फाइव, आपका नंबर है जीरो, फाइव, टेन, इसके बाद आपको फिल करना है। क्या फिल करेंगे? नेक्स्ट आप क्या फिल करेंगे और नेक्स्ट क्या फिल करेंगे? देखिए बेटा आपसे कहा गया है काउंट इन फाइव, फाइव काउंट करिए। जैसे जीरो से फाइव, फाइव में टेन, टेन के बाद फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद ट्वेंटी, ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी फाइव। फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका नंबर दिया होगा फिफ्टीन, और आपको मालूम है फाइव ही काउंट करना है ना, फाइव ही काउंट करना है। देखिए फिफ्टीन के बाद काउंट करेंगे फाइव तो ट्वेंटी, ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव के बाद, ट्वेंटी फाइव के बाद थर्टी, थर्टी के बाद थर्टी फाइव, थर्टी फाइव के बाद फोर्टी, है ना। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक क्वेश्चन आपका है कि 45, नेक्स्ट आपका 45 है, 45 के बाद आपको फिल करना होगा। क्या फिल करेंगे? यहां क्या फिल करेंगे, यहां क्या फिल करेंगे, ऐसे आपको फिल करना है बस, ठीक है। तो 45 में 5 प्लस करेंगे, 46, 47, 48, 49, 50, 50, तो 50, फिर 50 में 5, 55, 55 में 5, 55 में 5 डिवाइड करेंगे 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 60, करना इजी हो जाएगा, 5 काउंट करना। देखिए ट्रिक बहुत ही अच्छी होगी, कितना का है? काउंट इन 5 एंड देन फिल इन द बॉक्सेस, तो 5 काउंट करो, 60 है, 1, 2, 3, 4, 5 ही तो है, 61, 62, 63, 64, 65, फॉरवर्ड काउंटिंग करते चले जाओ, 65 हो गया, 66, 67, 68, 69, 70, कोई प्रॉब्लम? तो बेटा आप इस अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो ना बस, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट, ओके, फाइंड द प्रोडक्ट है। अब देखिए उसमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्वेश्चंस करिए सॉल्व, है ना। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए। और दूसरी चीजें ये है बेटा कि आप लोगों के टेस्ट भी होंगे। नेक्स्ट जो होगा आपका नेक्स्ट क्लास, हम आप लोगों को टाइम
क्वेश्चन सारी चीज़ें सेंड कर देंगे, और जो टेस्ट होगा ना आपका वो फिफ्थ चैप्टर तक होगा। ये फिफ्थ चैप्टर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये बच्चों बताइए फोर्थ चैप्टर तक ले लें, फोर्थ चैप्टर तक रखते हैं, और फोर्थ चैप्टर तक ही आप लोगों का टेस्ट होगा मैथ में, ठीक है। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, तो अभी प्रिपेयर स्टूडेंट, क्लियर, प्रिपेयर होइए। तो चलिए आगे चलते, हम आपको बताते हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, आप सिंपल है, टेबल आती है आपको, और अगर टेबल आती है तो आप कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा, तो आप लोग डाउट क्लास में अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।